अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों में सबका एक बहुत इशू होता है बाल उतरना। मेरे भी बाल सर्दियों में बहुत उतरते हैं, तो उसके लिए मैं एक DIY हेयर सीरम यूज़ करती हूँ। आज वो सीरम मैं आपको बनाना भी बताऊंगी और उसका यूज़ भी बताऊंगी। वो अगर आपको अपने बाल लॉन्ग हेल्दी शाइनी चाहिए तो ये सीरम आपने लाजमी अप्लाई करना है। सबका यह, अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, आपके बाल उतर रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, बाल शाइनी नहीं है, तो आपको ये DIY हेयर सीरम लाजमी यूज़ करना है। DIY हेयर सीरम में जस्ट मैं 2 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हूँ, कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, जस्ट 2 इंग्रेडिएंट्स से ये मेरा अच्छा। तो पहले हम रेसिपी की तरफ चलते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये हेयर सीरम कैसे यूज़ करना है। अच्छा तो जी, सबसे पहले हमें चाहिए कोकोनट ऑयल, मैंने ये निकाल लिया है। सबसे पहले मैंने ये रात भर सोख करके रखे हुए हैं चावल। 1 एम्प्टी बोतल कोकोनट ऑयल, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तो चावल में काफ़ी मिकदार में प्रोटीन और स्टार्च होता है, जो मिल के हमारे नए बालों को उगाने में मदद देता है। और जब ये कोकोनट ऑयल के साथ मिलते हैं तो ये बालों को मजबूत करते हैं, जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल रुक जाता है। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट को मैंने मिक्स कर लिया है। इसमें मैं कोकोनट ऑयल के 3 to 4 teaspoon डाल रही हूँ। देन इसको मैं इसके बाद हम इसको अच्छे से शेक करेंगे कि दोनों चीज़ें जो हैं वो अच्छे से यकजान हो जाएं। हमारे बालों का डैंड्रफ भी बहुत हद तक कंट्रोल होता है। हमें हेयर फॉल होता ही इसी वजह से कि हमारे बालों में हमारी स्कैल्प पे डैंड्रफ जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी रूट्स जो हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। जहाँ जहाँ हमें डैंड्रफ होगा वहाँ पे लाजमी हमें हेयर फॉल होगा। तो इसको अप्लाई कैसे करना है ये देख लें। तो रेसिपी आपने देख ली है, अब मैं आपको उसका यूज़ करना बताऊँगी। आप जब भी इसको यूज़ करेंगे तो आप इसको पहले शेक करेंगे, उसके बाद आपने इसको अपनी स्कैल्प में लगाना है। चाहे तो आप इसको अपनी लेंथ में भी लगा सकते हैं, लेकिन मेन फोकस इसका आपकी स्कैल्प है। नहाने से पहले आप इसको 2 से 3 घंटे शावर कैप के साथ लगा लें, और अगर रात में आप ओवरनाइट लगा के सोते हैं तो ये भी बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा फिर आपको। आपने इस तरह से अपनी स्कैल्प को खोलना है, एक एक स्कैल्प खोल के आपने इस तरह से इसको अप्लाई करना है। ठीक है जी, मैं इसको अपनी लेंथ में भी लगाती हूँ। ये बहुत ही अच्छा हेयर टॉनिक है, बहुत ही अच्छा हेयर फूड है। ये आपके बालों को 2 से 3 weeks में ये आपके बालों को रिज़ल्ट देता है। तो ये आप लाजमी अप्लाई करें और इसका फीडबैक मुझे लाजमी बताएं कि ये आपको कैसा लगा। ये बहुत इजी पीजी सा है बनाना। तो दुआ में याद रखिएगा। चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।